जैसा कि पूरी दिल्ली को पता है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो स्कूलों में, कई स्कूलों में एक्स्ट्रा कमरे बनवाए गए जिनको ये मॉडल स्कूल के रूप में दिखाते हैं, तो उन कमरों का जो खर्च लिया गया था, इस दिल्ली में एक नारा चल पड़ा था कि 5 लाख का कमरा 25 लाख में, और उसको मैंने, प्रवेश वर्मा जी ने और दिल्ली के एक दो और लोगों ने मिल करके हम लोगों ने उसका कंप्लेन किया था, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करने के बाद हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस भी किया मनीष सिसोदिया जी ने, हम सभी के ऊपर, हमारे ऊपर, प्रवेश वर्मा जी के ऊपर और एक दो और लोग हैं। हम लोकायुक्त में गए, डिफेमेशन के खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, डिफेमेशन पे तो स्टे हो गया कि भाई आरोप लग सकता है और आरोप लगने का मतलब जवाब देना होता है। जब हम लोकायुक्त में गए तो हमारी 4 पेशी लोकायुक्त में हुई और ये भी कागज लाइए, ये भी कागज लाइए, बहुत सारे मांगे गए। आज लोकायुक्त में हमारी डेट थी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो सवाल हमने उठाए उस आधार पे आज लोकायुक्त ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को इस विषय में पूरी इंक्वायर करके जवाब मांग लिया है। मेरा और हमारे साथियों का, हमारे कुलीग प्रवेश वर्मा जी का, सभी का एक ही एजेंडा था कि जिस प्रकार से नए कमरे बनाने के नाम पे बड़ी लूट हुई है, बड़ा स्कैम हुआ है और सीधे सीधे मनीष सिसोदिया जो उसके एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक्सपेंडिचर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नीचे हुआ है, इसकी इंक्वायरी हो, आज वो सपना पूरा हुआ है, हम बहुत खुशी व्यक्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।